सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है एहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिस ज़ेनफोन 5Z के बारे में। तो इसके बारे में आई है अपडेट, और ये अपडेट जो आई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली अपडेट्स आने आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो दोस्तों, अब करते हैं अपनी वीडियो की तरफ बात। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि एसिस ज़ेनफोन जो मोबाइल है वो फ्लैगशिप है, बहुत अच्छा मोबाइल है, और दोस्तों ये माना भी गया है बहुत मोबाइल अच्छा है। और उसके साथ दोस्तों, ये जो अब अपडेट आई है ये पहले उसमें जो हमारा 5Z मोबाइल है इसमें पहले नहीं थी, और ये अब न्यू आई है। और दोस्तों, इसकी जो अपडेट आई है ज़्यादा ये जो है अपडेट ये ज़्यादा मेजर ना हो, मगर ये जो आज के दिनों हैं, आजकल के दिन ये चल रहे हैं, इसमें ये अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, ये आपने देखा होगा काफ़ी लॉन्चर्स आपने भी इस्तेमाल किए होंगे, मैंने तो किए ही किए हैं, आपने भी काफ़ी लॉन्चर्स इस्तेमाल किए होंगे जिनमें ये स्वाइप का होता है सिस्टम, के हम स्वाइप करते हैं, होम में चले जाते हैं, स्वाइप करते हैं, रीसेट ऐप वगैरह आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी आती हैं। तो दोस्तों, अब पहले तो हम अपने लॉन्चर्स वगैरह इंस्टॉल करते थे उनमें होती थी, वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी मोबाइल में ये आया होगा वैसे स्वाइप वाला सिस्टम। तो दोस्तों, अब इसमें ये अपडेट आई है ये स्वाइप वाली, जिसे नाम दिया गया है जेस्चर नेविगेशन इसका नाम है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों, वर्क बहुत सिंपल सा है कि वर्क ये कैसे करता है, आप कर सकते हैं आराम से, बच्चा भी कर सकता है, वही आप तो गया। और उसके बाद दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों, जैसे ही आप इसे स्वाइप करेंगे सेंटर से, स्क्रीन के सेंटर से, तो आप डायरेक्ट अपने होम में चले जाएंगे, इस जो है ये फोन इसमें, और दूसरे मोबाइल में तो चेंज होगा। और इसके साथ मैं आपको इसका ब्रिक नंबर भी बताऊंगा कि जिसमें ये आई है अपडेट। और उसके साथ इसका एक और फीचर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इधर साइड से इसको करेंगे स्वाइप तो ये बैक भी हो सकता है, और रिसेंट ऐप वगैरह भी इसके आपके सामने शो हो जाएंगे। और दोस्तों, ये है आपकी जो मतलब वर्क कैसे करता है ये वो है। और अब इसके साथ अगर बात की जाए इसके नंबर के बारे में कि ये किस नंबर में जो है बिल्ड नंबर है जिसमें ये हमें अवेलेबल होगा, इसका जो नंबर है वो 80.30.96.71, इसमें दोस्तों ये हमें होगा शो, मतलब इसमें ये हमारे लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, ये थी अब आज के लिए आपकी वीडियो। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।